नहीं लीकेज हो जाएगा, होंठ में छेद है ना। ए पकड़ो उसे। ए रुक, मुझे जाने दीजिए। मैं किसी बागान के पास नहीं जाऊंगा, ना छोटा ना ही बड़ा, किसी भी फूल के पास नहीं जाऊंगा कसम से। मिस्टर छछुंदर, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि माफी मांगने के लिए आया हूँ। गलत इंसान देख लिया मेरी आंखों ने। तुम्हारे बॉस को मारना था, तुम्हें पीट दिया। बॉस को? आई एम वेरी वेरी सॉरी। चाहो तो मुझे मार कर बदला ले लो। मारो मारो मारो। इतनी बार माफी मांगोगे? अभी छछुंदर से पूछो कि इसका बॉस कहाँ मिलेगा हमें। हाँ बता कहाँ है वो, कहाँ है? बॉल उछाल रहे हैं। मामा जी, उसकी वजह से दिव्या ने मेरी बेइज्जती की है, उसकी धुलाई करो, लेकिन जान से मत मार। जान से नहीं मारना? अरे भाई आपको तो पता ही है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी हो सकता है। मेरी जान जा सकती है, उसकी भी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखूंगा। ए शाने रुक जा, ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा। देखो वो सारे मासूम बच्चे हैं, आराम से शांति से बात करते हैं। आओ मेरे साथ। आराम और शांति से? मेरा खून खोल रहा है। अरे कहा ना, शांत रहो। अरे ए पंटर लोग, तुम लोग भी आओ। दो तीन ही आओ वरना डर जाएगा। ए हीरो, अबे सुनाई नहीं दे रहा, इधर आ। बॉल को बहुत उछाल लिया, अभी शंकर भाई तेरे को उछालेंगे। प्यार की भाषा समझ और अपने साथ चल। शंकर भाई, उसको बोल यहाँ आके बात करे। शंकर भाई यहाँ आएंगे तेरे से बात करने के लिए, उनकी खिसक गई तो ठोक देंगे। जो बोला वो करना। समझ में नहीं आता है क्या? अरे देख कर रहे हो, मारो। मैं तो निकलता हूँ, बचाओ। अरे क्या हुआ? बस मैं पहुंच ही रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। क्या बेटा, तुम नए लगते हो शहर में, यहाँ कुछ काम हो तो बताना। हाँ बहुत अपनी पहचान है, कुछ भी काम हो तो सीधा मेरे पास आ। क्या हुआ बेटा? देखो मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ, मुझ पे हाथ उठाओगे अच्छा नहीं लगता। मैं करता हूँ कुछ है। ए भांजे, उस लड़की के चक्कर में मेरी खटिया खड़ी होने वाली है। लड़की? कौन सी लड़की? वो ग्रीन आर्मी वाली बेटा, तुमने उसे धमकी दी थी ना। अबे मेरे मामा पे हाथ उठाया, दिव्या को परेशान किया, लगता है तेरे दिन भर गए। मेरी छोड़, तू सोच यहाँ से बाहर कैसे जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ तेरी लाश बाहर जाएगी। ए, जबान संभाल के बात कर। ए, मुझे मत ललकार, मैं वो आग हूँ जो तुझे जलाकर राख कर देगी, अगर मुझे छुएगा तो जल जाएगा। ऐसे फिल्मी डायलॉग मुझे पसंद नहीं है यार। चल अब आजा और चुपचाप मार खा ले, मेरे पास समय नहीं है। सर ये क्या? सर आपने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी, उसने तो सचमुच गुंडे भेजे, हमें तो बस एनओसी चाहिए थी। कौन सा उसे टाका भिड़ाना है? क्या कहा आपको? कहा उसे प्रेम की रास लीला रचानी है। प्रेम है? ये अच्छा आइडिया है, जो काम धमकी से नहीं हुआ प्रेम से होगा। मतलब आप उसके दिल को छुएंगे? नहीं, उसके दोस्त के दिल को। तो मेरा क्या होगा सर? अरे कौस्तुभ चिल, ये सब एक नाटक है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ओके सर, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के ज्यादा करीब मत जाइएगा। लेकिन क्यों? फिसलू है, बिना केले के छिलके पे फिसलती है। ओ, हाँ? फिर तो और मजा आएगा।
स्वाति, स्वाति उठो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बात है, आज जन्मदिन है फिर भी उदास हो? हाँ, काहे का जन्मदिन, ना कोई सरप्राइज देने वाला है ना कोई गिफ्ट देने वाला, कितना बोरिंग डे है। कितने सुंदर फूल है, ये सारे फूल तुम ही लाई ना मेरे नहीं, लिए? नहीं, मैंने लाई। Go go now, here we go now, come let's party. यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे लिए नहीं आया। इसके लिए आया। ये सारे फूल मेरे लिए? Happy birthday. Thank you so much. मेरे लिए इतने सारे बुकेस? Actually थोड़े और ले आता, पर इस शहर में इतने ही मिले। ये सारे फूल देकर ये तुम्हें फूल बनाना चाहता है, फंसा रहा है तुम्हें। मैं जानता था यही कहोगी, मैं फंसाने नहीं चाबी देने आया हूँ। किसकी चाबी? स्मॉल गिफ्ट तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी गाड़ी? अरे सुन तो सही, क्या गाड़ी है यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी बड़ी गाड़ी मेरे लिए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ए, पागल है क्या, कोई तुझे इतना महंगा गिफ्ट देगा और तू ले लेगी? शर्म नहीं आती? ए मिस्टर, हमें तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। जब स्वाति ने किसी चीज को पसंद कर लिया तो तुम कौन होती हो उसे मना करने वाली? अंकल, विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें तोहफे में गाड़ी मिल सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छपरी लड़का ऊपर वाला हमारी झोली में डाल देगा। बेटा तुम तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, तुम्हें तो मैं छुपा के रखूंगा। चलो अंदर चलते हैं, तुम भी आओ भगवान, अब ये घोंसला तुम्हारा भी है। अच्छा तुम इसी तरह से मेरी बेटी को तोहफे देते रहोगे ना? वो क्या है ना अंकल, मैं स्वाति से प्यार करता हूँ, अगर आप हाँ कह दें तो। तुम्हारी सदा पर, स्वाति तो क्या, मैं भी हाँ करने को तैयार हूँ। ये क्या बक रहे हो पापा? ए, चुप रहो तुम, हीरे की परख, तुम क्या जानो ये मेरे जैसा जौहरी समझता है। बेटा वो कुर्सी अब तक तुम्हारे लिए ही खाली थी। थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे। ये सब नाटक बंद करो, समझे? मैं नाटक कर रहा हूँ? मेरे प्यार पे आपको शक है तो गाड़ी की चाबी दे दो। दिव्या, ये लड़का इतनी शराफत से पेश आ रहा है और तुम इसे नाटक कह रही हो। जाने दे बेटा, ये लड़की पहले से ही नक चढ़ी है। इट्स ओके अंकल। बेटा तो अब हम बेडरूम में चलें। पापा, तो मैं कहाँ जाऊँ? चिल्लाओ मत, कोई मेहमान हमारे घर में पहली बार आया है तो क्या मैं उसे अपना घर भी ना दिखाऊँ? आओ बेटा चलते हैं। मुझे जरूरी काम याद आ गया, चलता हूँ। अजी सुनते हो, वो आ गए हैं। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कार्तिक आया है। कार्तिक, अरे तू ऐसा बोलो। हाय अंकल, आपकी अनुमति हो तो इसे बाहर घुमा लो। मुझे भूल गए इसके आगे। हो गए। चुप रहो, पूछ रहा था कि इसे घुमाने का प्रोग्राम कितने दिनों का है, हमेशा चिल्लाती रहती हो। बस कुछ देर के लिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, आज तो ग्रीन आर्मी को शास्त्री नगर में पेड़ लगाने जाना है, तुम भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ये गई तो ये भी पेड़ बन जाएगी। थैंक्स अंकल, एक आप ही है जो मेरी भावनाओं को समझते हैं। वो क्या है, पहली बार मेरी बेटी ने मोटी मुर्गी को फंसाया है। मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूँ। क्या, कितनी बकवास बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं इसे घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। बेटी तू जा तैयार होकर। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, हम आज बहुत एंजॉय करेंगे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें जलन हो रही है? कान खोल कर सुन लो, वो कहीं नहीं जाएगी। दिव्या तुम बार बार इस पर डोरे क्यों डाल रही हो? इस दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। बाय। अब तुम जाके पेड़ लगाओ। अरे वाह कार्तिक आ गया, देखते हैं हमारे लिए क्या। गाड़ी में और भी तोहफे हैं। I love you। रोज तोहफे लाया करो, देखते हैं इसमें क्या है। चलो। हेलो भैया, हम सब जगह देख चुके लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं चला। कहाँ गायब हो सकती है वो? नहीं मिली का क्या मतलब है, जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जब तक दिव्या ना मिले उसे ढूंढते रहो, मौत बनकर उसका पीछा करो। अंकल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। कार्तिक धोखेबाज है, मक्कार है, यही ना? नहीं अंकल, वो बात नहीं है, जहाँ उसकी परवरिश हुई है उस बारे में। तो बताओ ना। वो विदेश में पला बड़ा है, वहाँ प्यार टाइम पास के लिए करते हैं, तो उसके साथ स्वाति की शादी बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अब तो ये शादी हो कर रहेगी। स्वाति। ओ हेलो अंकल। नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ये कौस्तुभ है, मेरा मैनेजर। अरे दिखता तो ये बंदर जैसे है, तुमने इसे मैनेजर बनाया है? लॉल खुद की कर रहे हैं लेकिन बंदर मुझे कह रहे हैं। मैं अगर काम में बिजी रहा तो मेरे बदले ये आएगा,
सोचा आपसे मिलवा दूं। अच्छा आदमी है ये बंदा, पक्का कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। हाय बेबी, कब आए? मैं अभी दूर। सुनो कार्तिक बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को हमसे मिलवा दो। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है ना उनसे। शादी? यस। तो ये आग इसने लगाई है। इस बात से तुम चौंक गए ये समझ में आया, पर ये बंदर क्यों छल रहा है? कार्तिक बेटा, मैं चाहता हूँ कि स्वाति से शादी करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हे भगवान, पापा! तुम चुप रहो। विदेश में झाड़ू पोछा करने वाले को भी अच्छी पगार मिलती है। फिर दुख भरे दिन बीतेंगे, अच्छे दिन आएंगे। कार्तिक बेटा, शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए। नहीं हो सकती। अबे तू इतनी खोखो क्यों कर रहा है? देखो दिव्या, तुम सच नहीं जानती हो। एक मिनट सर, बॉस यहाँ पर स्वाति का हाथ मांगने नहीं आए हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, बॉस स्वाति से नहीं दिव्या से प्यार करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई क्या है तुम बताओ। सच की धारा बह गई सर। अब बोल दिया तो बोल दिया। हाँ अंकल, ये सही कह रहा है, मुझे प्यार स्वाति से नहीं दिव्या से। What? आए, हट जाओ। तुम स्वाति की दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन हो दिव्या। तुमने छुरा घोंपा है। अंकल छुरा मैंने नहीं, इसने घोंपा है। सॉरी अंकल, सोचा प्यार का नाटक करूंगा तो इससे जलन होगी, पर यहाँ मामला उल्टा ही हो गया। अच्छा बेटा, तुम्हारे दिए हुए तोहफे वापस करने होंगे। नहीं आप रख लीजिए। दिव्या, सुनो बेटी, दिल छोटा ना करो, कोई दूसरा बकरा फंसाओ जो हमें बंगला तोहफे में दे सके। दिव्या रुको, छोड़ो मुझे। देखो दिव्या, मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। दिव्या, जिस तरह तुम इन पेड़ पौधों और कुदरत से प्यार करती हो ना, बिल्कुल वैसे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए फैक्ट्री छोड़ दी, अब तुम मुझे मत छोड़ के जाना। ये फिल्मों वाले डायलॉग कहीं और जाकर मारो मिस्टर, मैं नहीं फंसने वाली। अपनी एक गंदी शक्ल लेके निकलो। मैं जानता हूँ तुम दूसरी लड़कियों की तरह आसानी से नहीं पटोगी, पर जब तक हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दिव्या, दिव्या सुनो। भैया दिव्या का पता चल गया।